वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर हम सिलेक्शन लिस्ट देखेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की। तीन नोटिफिकेशन है। पहला नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे CDPO ऑफिस नागम की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है आंगनवाड़ी हेल्पर्स की। इसमें आप ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हो 10 डेज तक। तो यहाँ पर डिटेल मेंशन की हुई है कैंडिडेट की। नेक्स्ट है CDPO ऑफिस भद्रवा की तरफ से नोटिफिकेशन है। यहाँ भी 10 डेज का टाइम है ऑब्जेक्शंस वगैरह सबमिट करने के लिए। नेक्स्ट है इसके बाद तीसरा नोटिफिकेशन CDPO ऑफिस खोर की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इसमें सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, इसमें न्यू रिक्रूटमेंट है, री एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है। इसको आप देख सकते हो। यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से आंगनवाड़ी सेंटर्स में ये वैकेंसीज हैं। चौदह अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आप जो है एप्लीकेशंस CDPO ऑफिस में सबमिट कर सकते हो। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए UTF J&K का। एज जो है 18 to 37 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। कैंडिडेट लोकल होना चाहिए उसी वार्ड से जहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर की लोकेशन है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10+2 है और मैक्सिमम ग्रेजुएशन है। उसके बाद है यहाँ पर सिलेक्शन जो होगी मेरिट बेसिस पर होगी। वेटेज जो मिलेगी 10+2 के मार्क्स जो है वो देखे जाएंगे। जिनकी फैमिली से कोई रिटायर हो रहा है आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर, उनको 2 पॉइंट मिलेंगे एडिशनल। इन केस ऑफ टाई इन मेरिट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स, कैंडिडेट विद हायर एज विल बी प्रेफर्ड। तो ये आपको याद रखना है। ग्रेजुएशन से ज़्यादा जिसकी क्वालिफिकेशन है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट आप क्राइटेरिया देख सकते हो आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए। इसमें भी कैंडिडेट लोकल होना चाहिए उसी वार्ड से जहाँ पर सेंटर की लोकेशन है। एज जो है 18 to 37 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास होनी चाहिए। अगर मैट्रिक वाला कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होगा तो फिर जो है 8th पास वाले को कंसीडर किया जाएगा। पहले जो है प्रेफरेंस मिलेगी मैरिड कैंडिडेट्स को। अगर मैरिड कैंडिडेट नहीं होगा
तो फिर अनमैरिड को सिलेक्ट किया जाएगा। ये क्राइटेरिया है सिर्फ है आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हो। इसका एड्रेस है कैंप खोर, वार्ड नंबर 2। फॉर्मेट इस तरीके से है एप्लीकेशन का। इस वीडियो को करते हैं इधर ही एंड, मिलते हैं आप नेक्स्ट अपडेट के साथ।